अस्सलाम वालेकुम, आकिब विलो के साथ मैं हूँ आकिब अनीस। आज 23 मार्च पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे के मौके पर सिंध ओलंपिक्स की तरफ से यहाँ पर सीवीओ बीच पर बच्चों का स्पोर्ट्स मेले का इंतजाम किया जा रहा है, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के बच्चे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इलम भी मौजूद हैं। तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पर और क्या क्या हो रहा है। जी, 23 मार्च पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे के मौके पर सीवीओ बीच पर पाकिस्तान सिंध ओलंपिक्स की तरफ से एक स्पोर्ट्स मेले का इंतजाम किया जा रहा है। वहाँ पर एक आर्चरी गेम्स भी यहाँ पर हो रही हैं, तो यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से आई हैं ये लोग और ये गेम कैसा है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे 23 मार्च के हवाले से आर्चरी का स्टॉल लगाया गया है। सिंध ओलंपिक्स ने ये अरेंज किए हैं सारे गेम्स। यहाँ पे और भी गेम्स हैं, लेकिन बेसिकली हमारे यहाँ पे आर्चरी का स्टॉल है और लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं और हमारे डिफरेंट क्लब्स हैं। यहाँ पे कंपटीशन भी हो रहा है और ये नया गेम है जो मुतारिफ कराया है सिंध में, और बस हम इंजॉय करें। तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरह की और एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? बिल्कुल, हमें तो पता भी नहीं था कि आर्चरी होती है पाकिस्तान में, बट अब ये कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अब गवर्नमेंट लेवल पे भी अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है। अब भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, आपको इस तरह की एक्टिविटी कैसी लग रही है? मुझे बहुत अच्छी लग रही है, जाहिर सी बात है मैं खेलती हूँ, मैं नेशनल प्लेयर हूँ आर्चरी की, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जाहिर सी बात है 23 मार्च के हवाले से हम लोग आए, हम लोग खेलें, इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। इसके गेम्स के बारे में बताएंगे, है क्या ये गेम? एक तो देखा जाए तो थोड़ा डेंजरस है, बट ये है कि अगर आप इसको एहतियात से करें तो बहुत मज़े का गेम है, माइंड फ्रेश होने वाला गेम है। आपको आपकी जो बॉडी है, बॉडी लैंग्वेज, आपकी फिजिकली जो है ना, उस अपीयरेंस को बिल्कुल ठीक करता है ये गेम। बहुत लश है, अगर इसको लोग इंजॉय करते हैं, जो आते हैं सीखने के लिए, शौक होता है जिनको, वो इस चीज़ में महारत हासिल करते हैं। सुन्नत रसूल भी है, तीरंदाजी। तो आपने देखा कि हम यहाँ मेले में मौजूद हैं, हमने तीरंदाजी भी दिखाई और दूसरी भी चीज़ें, एक्टिविटीज़ हो रही थी। यहाँ पर स्काउट्स के कुछ बॉयज़ खड़े हुए और उनके सर भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह की एक्टिविटी है और इसमें क्या क्या होता है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज 23 मार्च के हवाले से, यौम पाकिस्तान के हवाले से, सिंध ओलंपिक की जानिब से यहाँ पर ये मेला सजाया गया है और इस मेले में डिफरेंट स्कूल के बच्चे शामिल हैं, डिफरेंट स्काउट्स के शामिल हैं। इसमें न्यू यूनाइटेड स्काउट्स ओपन ग्रुप भी इस वक्त यहाँ पर शामिल हुआ है और यहाँ डिफरेंट जो है इवेंट कराए जा रहे हैं, जिसमें आर्चरी स्पेशली शामिल है। और यकीनी तौर पर आज का दिन पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ा दिन है। यौम पाकिस्तान हमें उन अजीम शहदा की याद दिलाता है जिनकी मेहनतों और काविशों से पाकिस्तान का ये खूबसूरत ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ और आज हम इस आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। तो आज के दिन के हवाले से हम तमाम अपने शोधा को सलाम अकीदत पेश करते हैं आपके तवसुस से कि तमाम, और हम ये अहद करते हैं, आज यौम तजदीद अहद वफ़ा भी है, हम ये अहद करते हैं कि हम आइंदा आने वाली नस्लों को इसी तरीके से ताबनाक बनाएंगे और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाल्लाह रोशन रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया सर। आपको लगता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ दूसरे कंट्री, दूसरी सिटीज़ में भी होनी चाहिए? पाकिस्तान में जो है 1947 से ही ये तहरीक का आगाज़ हुआ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है पहले चीफ स्काउट्स पाकिस्तान बने और इन्होंने पाकिस्तान में स्काउटिंग की तहरीक का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में तमाम शहरों में स्काउट्स मौजूद हैं जो कि अपनी खिदमात मुख्तलिफ शोबों में अंजाम दे रहे हैं, जिसमें अभी आपने देखा लास्ट ईयर से कोविड-19 का मामला है, तो मैं ख़ुद भी इसमें शामिल रहा, हमारी टीम पूरी शामिल रही और पाकिस्तान आर्मी के साथ जो आइसोलेशन वार्ड बना इसमें भी हमारी टीम शामिल रही, एहसास प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पाकिस्तान के हवाले से जो प्रोग्राम रहा,
तो उसमें भी हमारी टीम शामिल रही है। इस तरह स्काउट जो है वो दीगर शोबों में जहाँ डिज़ास्टर आ जाता है, जैसे अभी बिल्डिंग गिर गई थी वहाँ पर भी स्काउट शामिल रहे, हेलीकॉप्टर तैयारा हादसा केस हुआ मॉडल कॉलोनी वाला, इसमें भी स्काउट साथी हमारे शामिल रहे और ये गाहे बगाहे हम इस तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं। बात यह है कि ये ऐसी एक्टिविटी है कि जिससे ना सिर्फ मुल्क व मिल्लत की तामीर हो रही है बल्कि एक अच्छा मुआशरा हम इंशाल्लाह जन्म देगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो बच्चे इस वक्त स्काउटिंग तहरीक का हिस्सा बने हैं ये आगे जाकर यकीनन मुस्तकबिल के मेमार हैं और यही तो जो है हमारे मुल्क को एक ताबनाक मुस्तकबिल देंगे। जी तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं गर्ल्स विंग स्काउट की हेड अरुणा, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये इनकी क्या खिदमात हैं गर्ल्स स्काउट्स के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आप स्काउट्स की हेड हैं आप, तो आप अपने बारे में बताएं आप कहाँ कहाँ मतलब अभी तक खिदमत अंजाम दे चुकी हैं और देखें नेक्स्ट में आपका क्या प्लान है। सबसे पहले स्काउट्स जो होते हैं वो हर जगह खिदमत जो है अंजाम देते हैं, जैसे कहीं जलजला आ जाए, अभी हम यहाँ सी व्यू पर मौजूद हैं जी। तो खुदा न खास्ता अगर कुछ होता है तो हमारे जितने स्काउट मेम्बर्स हैं सारे तैयार रहेंगे और उस जगह पर जाकर रेस्क्यू दे सकेंगे। स्काउट का बेसिक मतलब जो होता है वो अगले को रेस्क्यू देना होता है, ठीक है। तो और यहाँ पर जो है मेला लगाया हुआ है, यहाँ पर हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अंजाम दी हुई हैं, जैसे आर्चरी है और दूसरी चीज़ें हैं, तो ये सारी जो है एक ट्रेनिंग का हिस्सा होती है। तो स्काउट जो होता है उसका मेन मकसद ये है कि आप किसी को रेस्क्यू दें तो वो स्काउट हो। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से आपको इसका कोई पे वगैरह किया जा रहा है या? मुझे तो कुछ इसके बारे में। अच्छा, सही। और इसके अलावा अभी नेक्स्ट में आपकी क्या प्लानिंग है कि आप स्काउट्स सिंध की तरफ से अभी क्या एक्टिविटी करने जा रही हैं? अभी तो हमारा यहाँ पर एक्चुअली में हमारे जो हैं प्रोग्राम्स होते रहते हैं, फंक्शंस जो हैं वो महीनों लगा कर जो है उसको अनाउंस किया जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है और हमारे स्काउट टीम का बहुत ज़्यादा इसमें होता है। और सिंध स्काउट के बारे में अगर आप कह रहे हैं तो इसके हम जो हैं हर महीने हर उसके हिसाब से जो है एक प्रोग्राम अरेंज होता है। साथ मौजूद हैं सिंध वंशवटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल शकूर भाई साहब, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो आज यहाँ पर साहिल पर सिंध ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो एक्टिविटीयां हो रही हैं, तो उसमें एक एक्टिविटी ये वंशवटी भी हो रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या बेसिकली। जी, वंशवटी खेल जो है एक सिंध का कदीमी खेल है जो कि कराची के जैसे कि आज साहिल में हो रहा है। ये खेल दो टीमों के दरमियान होता है, एक मुखालिफ टीम बाहर होती है जैसे आप देख रहे हैं और एक टीम लाइंस में होती है, बॉक्सेस बने हुए होते हैं, उन बॉक्सेस पे मुखालिफ टीम के खिलाड़ी खड़े हुए होते हैं, ताली मार के वहाँ से एक कैप्टन दूसरे कैप्टन को जब ताली मारते तो अंदर आते हैं सारे खिलाड़ी, तो अपनी पोजीशंस अपने आप को हाथ से टच होता है, टच अपने आप को टच से बचाते हुए निकलता है वो, तो एक जब वो उन सब को पार करते हुए निकलता है तो उसमें उसकी आधी पॉइंट बन जाती है, फिर वहाँ से फिर उसे वापस आना पड़ता है, जब वो वापस आ जाएंगे उन्हीं मुखालिफ टीमों से अपने आप को बचा बचा के तो उनकी एक पॉइंट बन जाएगी, तो जिससे वो टीम जीत जाएगी। अच्छा, ये जो वंशवटी गेम है ये सिर्फ सिंध में खेला जाता है या मुख्तलिफ इलाकों में या मुख्तलिफ मुल्कों में भी, या इंटरनेशनल सतह पर ये गेम मौजूद है अभी? नहीं, ये सिर्फ नेशनल लेवल पर है फिलहाल, सिंध में है और शहर जैसे इलाकों में, बाकी इंटरनेशनल लेवल पर जो है इसे तरक्की नहीं दी गई है अभी, ये अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब शायद ये आगे तक जाए। जी तो हमारे साथ मौजूद हैं सिंध डिग्री कॉलेज लाइंस एरिया के कुछ गर्ल्स स्टूडेंट, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो एक्टिविटी यहाँ पर सिंध ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो रही है वो उनको किस तरह लगी और उन्होंने किस किस एक्टिविटी में हिस्सा लिया। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम रुमाना खान है। आपने यहाँ जो आज एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें किस किस एक्टिविटी में हिस्सा लिया है अभी तक? आम रेसलिंग में। आप क्या समझती हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ और मुस्तकिल बुनियादों पर होनी चाहिए? जी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आपका नाम? नूरा बशीर अहमद। आपने यहाँ पर किस एक्टिविटी में हिस्सा लिया? आर्म रेसलिंग में लिया।
आर्म रेसलिंग में किस तरह की एक्टिविटी है, कुछ बताएं उस बारे में। आर्म रेसलिंग में एक तब एक सामने वाला होता है और एक तब मेरा जो हुआ था वो मेरी बहन के साथ हुआ था, तो मेरी बहन जीत गई उसमें, तो बहुत खुशी है कि मेरी बहन जीती है उसमें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आपका नाम क्या है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम उस्मा शेख है और मैं गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज लाइन्स एरिया की डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन हूँ। आज यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसको आप किस नज़र से देख रही हैं? एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है, COVID-19 के बाद से जो एक बीच में बहुत बड़ा स्पेस आ गया था, उसके बाद इस तरह की एक्टिविटी बच्चों में जो है बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक ज़बरदस्त एक्टिविटी है कि बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म मिला है। और 23 मार्च के हवाले से आमतौर पर 23 मार्च में जो है डिबेट्स और स्पीच कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जो है इसको मनाया जाता है, लेकिन कोविड के बाद जो है ये स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को 23 मार्च के हवाले से ऑर्गेनाइज़ किया गया है और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया है। आर्म रेसलिंग, टग ऑफ वार के मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्से लिए हैं और इन्होंने पोजीशंस भी लिए हैं, और इस तरह के मुकाबले स्टूडेंट्स के लिए होने चाहिए ताकि इनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल अपग्रेड हो और बच्चे जो हैं इनके चेहरे पर जो खुशी नज़र आ रही है आपको, इस तरह के मुकाबले सिंध गवर्नमेंट को करवाने चाहिए। और सिंध गवर्नमेंट और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने तमाम कराची के बच्चों को बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दिया है और आइंदा भी उम्मीद है देते रहें। 23 मार्च पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे के मौके पर कराची के साहिल पर सिंध ओलंपिक्स एसोसिएशन की तरफ से जो ये स्पोर्ट्स मेले का अहतमाम किया गया, बहुत ही यहाँ पर अच्छी एक्टिविटीज़ देखने को मिली। आपने देखा होगा स्काउट्स, तीरंदाजी और मलाखड़ा और दूसरी चीज़ें, काफ़ी कराची के काफ़ी कॉलेजेस स्कूल्स के यहाँ बच्चे मौजूद थे और उन्होंने बहुत खुश थे। हाल ही में जैसे COVID-19 की सूरत हाल हुई और उसके बाद इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। बेसिकली आज वैसे तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे है, मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने व्यूवर्स को भी कि बरे सगीर की जिस तरह मायूसियाँ और महरूमियाँ जब हद से बढ़ी तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में 1940 को एक करारदाद पेश हुई पाकिस्तान, करारदाद पाकिस्तान के नाम से। तो इस वक्त ये यहाँ एक्टिविटी हो रही है ये बहुत खुशाइंद है और इस तरह की मज़ीद एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। यहाँ मिनिस्टर्स हजरात भी मौजूद हैं और एज़ अ चीफ गेस्ट आएँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।